देखिए अ बीकर फिल्ड विथ एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, अ बीकर फिल्ड विथ एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड डिप्ड विथ जिंक rod. यह aqueous zinc sulfate solution है और zinc rod इसमें dip कर दी गई. Such a device, such a setup, we call it zinc half cell. इसे हम कहते हैं जिंक हाफ सेल. जिंक हाफ सेल की खास बात, इसमें ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल जिंक के एटम है जो कि रॉड पर मौजूद है और इसमें ढेर सारे रिड्यूसिबल जिंक के आयन भी हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में मौजूद है. एक्वस सॉल्यूशन में ढेर सारे रिड्यूसिबल जिंक आयन है और जिंक इलेक्ट्रोड पर ढेर सारे ऑक्सीडाइजेबल जिंक के एटम. ऐसे डिवाइस को, ऐसे सेटअप को हम जिंक हाफ सेल कहते हैं. अब हम कहते हैं इस जिंक हाफ सेल में जिंक एटम की, ये जो इलेक्ट्रोड पर जिंक के एटम है, इनकी कुछ ना कुछ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी. जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होना मतलब क्या, यह जो मेटल पर जिंक है, यह जो मेटल रॉड है इस पर जो जिंक के एटम है, ये ऐसा चाहते हैं कि इनसे कोई दो इलेक्ट्रॉन ले ले और जिंक आयन बनके सॉल्यूशन के अंदर चले जाए. तो सॉल्यूशन के अंदर घूमना फिरना मौज मस्ती करना चाहते और सॉल्यूशन के अंदर ये आयन के फॉर्म में ही जा सकते हैं और ये आयन के फॉर्म में तब होंगे जब इनसे कोई दो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये ऐसा कर सकते हैं. ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर छोड़कर और जिंक आयन बन के सॉल्यूशन के अंदर जा सकते हैं. ऐसा जिंक के मेटल एटम कर सकते हैं. कैसे, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को रॉड पर ही छोड़ देंगे, रॉड के सरफेस पर. रॉड के सरफेस पर वैसे ही ढेर सारे सरफेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जिंक के एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से छोड़कर जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन के अंदर जा सकते हैं और यह फिनोमेना कर सकते हैं. एंड दिस वुड बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. इस रिएक्शन की टेंडेंसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. एंड वी डिनोट इट इन दिस मैनर, ई ऑफ जेड एन टू जेड एन टू पॉजिटिव. हम कहते हैं जितने भी जिंक के एटम है उन सभी जिंक के एटम की यह टेंडेंसी समान है, एक जैसी है, सबकी बराबर है. अब एक जिंक का एटम, पहला जिंक का एटम, वो अपनी इस टेंडेंसी की वजह से, अपने इस पोटेंशियल की वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है. कैसे ऑक्सीडाइज हो जाता है, वह अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पर छोड़ता है और स्वयं जिंक आयन बनके सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है. इस तरह से पहला जिंक का एटम ऑक्सीडाइज हो गया. क्यों हुआ, उसकी इच्छा थी, उसकी टेंडेंसी थी, उसकी पोटेंशियल था, वो चाहता था ऑक्सीडाइज होना और चूंकि चाहता था इसलिए हो गया. उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़े और जिंक आयन बनकर सॉल्यूशन के अंदर चला गया. मगर
जब ऐसा हुआ तो देखिए वहां क्या हुआ, इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पोटेंशियल आ गया, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया। इलेक्ट्रोड पर जिंक एटम के द्वारा छोड़े गए इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल, इन सरप्लस इलेक्ट्रॉन वो सॉल्यूशन के अंदर जिंक आयन के चले जाने से पॉजिटिव पोटेंशियल, वहां पर चार्ज सेपरेशन डेवलप हो गया, चार्ज डिफरेंशियल डेवलप हो गया। इस तरह से जब चार्ज सेपरेशन डेवलप हो जाता है तो वहां पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। मैं कहूंगा सॉल्यूशन और रॉड के बीच में एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो गया, रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मैं रिवर्स क्यों कह रहा हूं, मैं रिवर्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है ये इस फिनोमेना को अपोज करेगा। अगला जब जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा अपनी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से तो ये पोटेंशियल उसको अपोज करेगा। अब अगला जब जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा तो इलेक्ट्रोड का निगेटिव चार्ज उस जिंक आयन को खींचेगा दोबारा, सॉल्यूशन का जिंक आयन उसे आने नहीं देगा। वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, मगर अभी यह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कोई खास नहीं है। अभी जिंक एटम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अच्छी खासी है, इसलिए दूसरा जिंक का एटम भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। दूसरा जिंक का एटम भी ऑक्सीडाइज हो गया और जिंक आयन बन के सॉल्यूशन के अंदर चला गया। इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज और भी बढ़ गया, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज और भी बढ़ गया, चार्ज सेपरेशन बढ़ गया, चार्ज डिफरेंशियल बढ़ गया। इस वजह से रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बढ़ गया। पहला जिंक का एटम जब ऑक्सीडाइज हुआ तो उसे किसी तरह से कोई अपोजिशन नहीं मिला, वो बड़ी कंफर्टेबली बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरा जिंक का एटम जब ऑक्सीडाइज हुआ तो उसको इलेक्ट्रोड की तरफ से भी अपोजिशन मिला, सॉल्यूशन की तरफ से भी अपोजिशन मिला। अब तीसरा जिंक का एटम, उसकी भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी उतनी ही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना पहले जिंक एटम का उतना ही दूसरे जिंक एटम का, उतना ही तीसरे जिंक एटम का, उतना ही सभी जिंक एटम का। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सभी जिंक एटम का एक समान एक जैसा है क्योंकि सभी जिंक के एटम आइडेंटिकल है, सभी जिंक के एटम आइडेंटिकल है इसलिए सभी जिंक के एटम के का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल समान है। मगर जब ऑक्सीडाइज होने जाएंगे तो पहला जिंक का एटम कोई उसको कोई अपोजिशन नहीं, दूसरे जिंक के एटम को थोड़ा अपोजिशन मिला, तीसरे जिंक के एटम को और भी ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, मगर फिर भी क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी काफी अधिक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफी अधिक है, तो काफी अधिक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होने की वजह से अपोजिशन अभी उतना भी डेवलप नहीं हुआ है, तीसरा जिंक का एटम भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस तरह से जिंक के एटम अपने ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी की वजह से ऑक्सीडाइज होते जाएंगे और जैसे जैसे जिंक के एटम ऑक्सीडाइज होते जाएंगे इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते इतना अधिक हो जाएगा कि अब जब अगला जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल काफी अधिक बढ़ चुका है और इतना अधिक बढ़ चुका है कि अब जब अगला जिंक का एटम ऑक्सीडाइज होना चाहता है तो इलेक्ट्रोड का ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देता, सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज जिंक आयन को अपने अंदर नहीं आने देता। हम कहते हैं द रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, द रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन इट्स सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ
जिंक ड्यू टू इट्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. हम कहते हैं दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिटवीन सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड इज इक्वल एंड अपोजिट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक एंड इन दैट सिचुएशन द डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश. अब वहां पर डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और बैकवर्ड रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि वहां रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है. अब इस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर यदि किसी भी समय चार जिंक के एटम ऑक्सीडाइज हुए तो उसी समय चार जिंक के आयन रिड्यूस भी हो जाएंगे. जिंक के एटम ऑक्सीडाइज होंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से, और जिंक के आयन रिड्यूस होंगे रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वजह से. हम कहते हैं इन दिस कंडीशन रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल एंड अपोजिट टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. इट्स जस्ट सफिशिएंट टू प्रिवेंट एनी फर्दर ऑक्सीडेशन. हम कहते हैं इस कंडीशन पर यदि हम किसी तरह से इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लें, इस कंडीशन पर यदि हमने इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लिया, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में डेवलप हुआ है, देन दैट पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक. वी डिनोट इट लाइक दिस. वी यूज्ड टू से इट्स दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. इट्स इक्वल टू रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन. इट्स इक्वल टू रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन इन हाफ सेल. किसी तरह से यदि हमने मेजर कर लिया तो वही हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे. ऑल्दो यह इसे हम हाफ सेल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं. This is also termed as half cell oxidation potential. It's not a constant. It depends on three physical parameters. Depends on first, concentration of ions. Second, it depends on temperature, and thirdly it depends on pressure. ये जो half cell oxidation potential है तीन factors पर depend करता है. It depends on concentration of ions participating or ions involved. It also depends on temperature. It also depends on pressure. In order to account for these three factors, we used to conceptualize the standard condition of a standard half cell. Yadi hum 1 molar aqueous zinc sulfate le le, 1 molar aqueous zinc sulfate le le, ise 25 degree centigrade par rakhe aur 1 atmosphere pressure par rakhe. Ise yadi hum 25 degree centigrade par rakhe और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रखे, देन जिंक हाफ सेल टू गेट दिस कंडीशन वुड बी कॉल्ड
स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल, स्टैंडर्ड जिंक हाफ सेल। इस कंडीशन पर लिए गए जिंक हाफ सेल को 1 मोलर एक्वस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फियर प्रेशर। इस कंडीशन पर यदि हम यह डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑब्टेन करते हैं और उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर यदि हम रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर करते हैं, देन दैट रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वुड बी कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल of zinc, and we denote it in this manner: E naught of Zn 2 Zn 2 quantity. E naught laga diya jata. This is oxidation potential of zinc at any random condition of temperature, pressure, and concentration, while this is oxidation potential of zinc at standard condition of temperature, pressure, and concentration. They may be related by Nernst equation. We have got Nernst equation relate oxidation potential at any random condition with oxidation potential at standard condition in this manner: E of Zn 2 Zn2 positive is equal to E naught of Zn 2 Zn2 positive minus RT by NF ln of equilibrium constant definition of this reaction. Zinc ion upon metallic zinc. Or I may rewrite in this manner: E of Zn 2 Zn2 positive is equal to E naught of Zn 2 Zn2 positive minus 2.303 RT by NF log of zinc ion concentration upon zinc. हम कहते हैं n is number of electron transferred. Here n is number of electron transferred, that is 2. Mass of zinc is 1. Metallic zinc ka active mass hamesha 1 likha jata hai. F is Faraday's constant. F is 96500 coulombs per Faraday. Now at 25 degrees centigrade, यह पूरी चीज एक कॉन्स्टेंट है. जनरली किसी भी सेल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रखा जाता है. जो ऑपरेटिंग कंडीशन होती है वह 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही होती है. तो 2.303 यह एक कॉन्स्टेंट हो गया, आरटी एक कॉन्स्टेंट हो गया, अपॉन एफ एक कॉन्स्टेंट हो गया. हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं 0.05
9:1. Or we may rewrite the oxidation potential of zinc at any random condition as the standard oxidation potential of zinc minus 0.0591 and log of zinc ion concentration upon 1. Put it down. This is how we relate half cell oxidation potential of any oxidizable species at 25 degrees centigrade. This is at any random temperature. This is a generalized expression. We call it Nernst equation. किसी भी oxidizable species के लिए इस तरह से हम half cell oxidation potential लिख सकते हैं। Although मैंने zinc के लिए करके दिखाया है, मगर यह काम किसी भी तरह के oxidizable species, मैं इसी समय छोटे समय बताता हूं। If P is a oxidizable species and it may undergo oxidation by releasing N electrons, if P is any oxidizable species और P oxidize होते समय N electrons release करता है, N की value 1, 2 या 3 कुछ भी हो सकती है, सोडियम के लिए 1 हुई, मैग्नीशियम के लिए 2 हुई, एल्यूमिनियम के लिए 3 हुई, इस तरह से ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज कुछ n इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। p की इस टेंडेंसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ p, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ p। इसे डिटरमाइन करने का साधारण सा तरीका होगा कि हम एक p हाफ सेल बनाएंगे। पी हाफ सेल बनाने के लिए क्या करना है, हमको एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें ढेर सारे पी प्लस एन आयन हो, जैसे कि PClN, PClN, इसमें पी प्लस एन आयन ढेर सारे होंगे और इसमें पी की इलेक्ट्रोड डिप कर देना। इसे कहा जाएगा P हाफ सेल। इस P हाफ सेल में हम कहेंगे P की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, और यदि P की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है तो P ऑक्सीडाइज होंगे। कैसे ऑक्सीडाइज होंगे, P अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़कर जाएंगे और वह ऑक्सीडाइज होते जाएंगे, ऑक्सीडाइज होकर वह सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। यह पी इसलिए ऑक्सीडाइज हो रहे हैं क्योंकि इनकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। मगर जैसे जैसे पी ऑक्सीडाइज होंगे वैसे सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इस वजह से सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्ज सेपरेशन और चार्ज डिफरेंशियल क्रिएट होएगा। इस वजह से वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप होएगा। हम इसे रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोड का नेगेटिव चार्ज पी प्लस एन को दोबारा खींचेगा और सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज पी प्लस एन को अपने अंदर आने नहीं देगा, तो वहां पर एक रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। और खास बात, यह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो फिक्स है
मगर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और इस तरह से पी रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बढ़ते जाने से अल्टीमेटली एक डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन तो एस्टैब्लिश होगी, उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हम कहेंगे इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में आपको रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर करना है। वह रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी होएगा, जिसे आप इस तरह से डिनोट कर दोगे। उस डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो भी कुछ रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिखा है वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी कहलाएगा, आप उसे मेजर कर लीजिए। खास बात, ये जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी आया है ये कोई फिक्स या कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, यह वैल्यू डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पर कि आपने क्या पीसीएलएन का कंसंट्रेशन लिया है, क्या टेम्परेचर कंडीशन रखी है और क्या प्रेशर कंडीशन। इस बात को अकाउंट करने के लिए यदि हम 1 मोलर पीसीएलएन ले लें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख दें और 1 एटमॉस्फियर प्रेशर यदि हम रख दें, इस कंडीशन पर यदि हमने जिंक हाफ सेल यदि हमने पी हाफ सेल बनाया तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड पी हाफ सेल, इसे स्टैंडर्ड पी हाफ सेल कहा जाएगा। और स्टैंडर्ड पी हाफ सेल में हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश कर लिया, इसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मेजर कर लिया, तो उस रिवर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी, और इसे डिनोट कैसे करेंगे, इट वुड बी डिनोटेड एज ई नॉट ऑफ पी टू पी प्लस। फिर हम कहते हैं कि दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी मेजर्ड एट एनी रैंडम कंडीशन एंड दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी मेजर्ड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन मींस 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग आयंस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। दिस टू वैल्यूज मे बी रिलेटेड बाय नर्स्ट इक्वेशन, वी हैव गॉट नर्स्ट इक्वेशन विच रिलेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी एट एनी रैंडम कंडीशन विद स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी इन दिस मैनर, ई ऑफ पी टू पी प्लस एन एट एनी रैंडम कंडीशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ पी टू पी प्लस एन माइनस आर टी बाय एन एफ लॉन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन पी प्लस एन अपॉन पी। और वी मे री राइट ई ऑफ पी टू पी प्लस एन इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ पी टू पी प्लस एन प्लस 2.303 RT by NF log of P plus N to P। यदि P मेटल है तो उसका एक्टिव मास 1 लिख दिया जाएगा, P यदि मेटल है तो उसका एक्टिव मास 1 लिख दिया जाएगा, यदि वो कोई गैस है या कोई चीज है तो उसका कंसंट्रेशन या उसका पार्शियल प्रेशर, N is नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो इस रिएक्शन में दिख रहे हैं। और खास बात, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड यह जो 2.303 इंटू आर टी बाय एफ यह वैल्यू फिक्स होती है 0.0591। एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, एसआई सिस्टम में आर की वैल्यू 8.31 सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी की जगह 298 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ की जगह 96500।
हम यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यह बात साफ साफ दिखने लगेगी। टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर की जगह 8.31, डी की जगह 298 अपॉन 96500। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लिख सकेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ पी माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ पी प्लस एन अपॉन पी। इन दिस मैनर वी मे कंसेप्चुअलाइज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनी ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज। We denote it in this manner, we relate it in this manner, we may measure it in this manner, we conceptualize it by constructing P half cell. In a similar fashion, let me conceptualize reduction potential.